तो हेलो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 5। हम इस समय हम लोग टहलने जाते हैं, तो आज हम लोग टहलने जाएंगे। बगल का ही एक कॉलेज है, उस कॉलेज वहाँ पे जा रहे हैं घूमने। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मक्के का खेत है, इसमें अभी मक्का फरा हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये मक्का फरा हुआ है, ये नीलगाय खा गया है। अभी रात में आता है। ये मक्के का पेड़ है, तो हम लोग चलते हैं आगे। रास्ते में क्या तो मेरे साथ में जा रहे हैं दोस्त है, एक है ये राजन जी हैं, इसको देखिए। हेलो दोस्तों, ये ओम प्रकाश जी हैं। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं, तो बताते हैं आगे। आप ये देख रहे हैं, मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये एक पर्या रास्ता है, जिस मेरे गांव के अंदर पूरा सड़क नहीं है, तो ये एक पर्या रास्ता है, इसी से हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। तो ये देख रहे हैं, अभी बारिश हुआ है थोड़ा देर पहले, एक घंटा पहले बारिश हुआ है, सुबह भी कीचड़ है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पेड़ है बहुत लगा हुआ है, ये मेरे बगल का घर के बगल का है। ये दोस्तों देखिए, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा खेत है, इसमें अरहर का पेड़ लगा हुआ है। ये अभी अरहर तैयार नहीं हुआ है, अब इसके बाद फूल आएगा इसमें। तो ये देख रहे हैं, एक पर्या रास्ता है, अब कुछ दूर के बाद मेन रोड आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेन रोड पे आ गए हैं, यहाँ भी कीचड़ है, रोड टूटा हुआ है। तो ये सड़क के किनारे है सरकार भवन, ये देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम सरकार भवन पे आ गए हैं, ये दिखा रही हैं, पेड़ लगा हुआ है, सो नहीं बुझा रहा है, हम दिखा रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, ग्राम पंचायत त्रास चक सलेम सरकार भवन है, ये नया अभी 2 साल बना हुआ है इसको। ये देखिए दोस्तों, अभी सूर्यास्त होने वाला है, इसका नज़ारा दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी सूर्यास्त होने वाला है, यहीं पे ये सरकार भवन है। हम लोग कोविड वैक्सीन यहीं पे लिए थे, यही सरकार भवन में। तो अब चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं।
आप ये सरकार भवन के पीछे ये देख रहे हैं मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं, सरकार भवन से निकल गए हैं। ये बगल सरकार भवन के पीछे ये देखिए ये पोखर है, ये पूरा भरा हुआ है, पता नहीं चल रहा है पोखर है लेकिन ये बहुत गहरा है, इसको दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों इसमें घास उगा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पोखरा है। हम लोग पहले इसमें मछली मारते थे। इसके पीछे आप देख रहे हैं सूर्यास्त होने वाला है। ये देखिए पूरा पोखरा भरा हुआ है, इस यह पोखरा बहुत गहरा है, इसमें लील गाय डूब के मर गया है। तो ये देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों देख रहे होंगे पीछे ये पूरा बाढ़ आ चुका है, सड़क के ये सड़क के किनारे पानी आ चुका है। हम लोगों का ये सड़क पार करेगा तो गांव में पानी आ जाएगा, लेकिन ये अभी सड़क तक ही है, दिखा अभी साफ से आपको नहीं बुझा रहा है, दिखा रहे हैं आगे। देखिए अभी पेड़ है, आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे। ये देखिए दोस्तों ये पूरा बाढ़ है, बाढ़ आ चुका है। ये दोस्तों देखिए ये लीलगाय यहाँ बाढ़ में फंस गया है, हम दिखा रहे हैं आपको जूम करके। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे लीलगाय है, आपको नहीं बुझा रहा होगा, इधर से दिखाते हैं। ये देखिए अब बुझाया आपको, ये देखिए अब बुझा गए। ये देखिए दोस्तों लीलगाय है, ये एक और लीलगाय है देखा मुझे जो, ये देखिए उसी के बगल में है। ये देखिए एक आगे है और एक के पीछे है। तो ये चलिए पानी में है, वो आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये इधर बगीचा है, इसमें बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, इसमें सारे फल का पेड़ लगा हुआ है, आम अमरूद केला कटहर लीची। ये देखिए दोस्तों ये फूल है छोटा सा, हम लोग यहाँ पे आते हैं दोपहर में। ये देखिए यहीं पे हम लोग बैठते हैं और मछली मारते हैं, यहीं पे मछली मारते हैं बंसी से। ये पुल है, मेरा प्यार पानी में फिसल गया था, ये कीचड़ लग गया है यहाँ पे, इस यहाँ पे हम धो लेते हैं। ये गड्ढा भी बहुत गहरा है। चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे, अब कुछ दूर में आ जाएगा कॉलेज, तो चलिए चलते हैं आगे। अच्छा तो वीडियो जो रहता है ना, ये देखिए दोस्तों क्या मस्त नजारा है, अभी सूर्यास्त का समय हो गया। देखिए
देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग आने वाले हैं, थोड़ा दूर और बच गया है। देखिए दोस्तों ये पूरा बाढ़ आ गया है, यहाँ तक है ये पूरा, ये चौर है इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। दोस्तों अंधेरा होने हो जाएगा कुछ देर में, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। हम लोग पैदल हैं, ये देखिए दोस्तों ये पूरा गड्ढा है। ये देखिए दोस्तों अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होगा। चलो जल्दी जल्दी, अंधेरा हो जाएगा। कुछ देर में लगभग सूर्यास्त हो गया है। तो दोस्तों कैमरा भी फ्रेश, अब अंधेरा हो गया है, कैमरा भी फ्रेश नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब ज़्यादा नहीं, 100 मीटर बच गया है, अब पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप पीछे मेरे, सूर्यास्त लगभग हो चुका है, होने वाला है। ये देखिए दोस्तों सूर्यास्त नहीं बुझा रहा होगा आपका, आप देखिए रुक गए हैं, सूर्यास्त लगभग हो चुका है। ये देखिए ये मेरे पीछे धान का खेत है, इसमें बाली आ गया है, दिखा रहे हैं हम। ये देखिए धान का बाली हो गया है, काफी बारिश इसमें अभी पानी लगा हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों अब कॉलेज आ गया है। तो ये देखिए दोस्तों हम कॉलेज पे आ गए हैं और कॉलेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये ग्राउंड है, ये कॉलेज ये है दोस्तों, ये देख रहे हैं ये कॉलेज है। और ये आप देख रहे हैं ये कॉलेज के बगल में एक मिडिल स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है। अब ये ग्राउंड देख रहे हैं हम लोग, ग्राउंड में हैं। और ये आप देख रहे हैं मिडिल स्कूल है, कॉलेज से अच्छा मिडिल स्कूल है। देखिए दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के अंदर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों क्या मस्त नजारा है गेट पर का, हम लोग यहाँ से इन करेंगे अंदर। बाहर
ये देखिए दोस्तों, एसएस कॉलेज, यहाँ देख रहे होंगे आप, शत्रुघ्न शरण महाविद्यालय हवासपुर, यही गेट है, इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है कॉलेज का रूम, छोटा छोटा, इससे तो अच्छा ये बगल का मिडिल स्कूल था। आप जूम करके दिखा रहा हूँ, अंधेरा हो गया है इसलिए फोटो नहीं आ रहा। ये देखिए, संसद कोष से निर्मित विज्ञान भवन है ये, और ये इसी के नीचे यह है आम का पेड़, इसमें काफ़ी सारा छांव आता है, हम लोग शाम के वक्त इसी आम के पेड़ पे बैठते हैं। आ ना हुआ बैठो। और ये देख रहे हैं, ये कॉलेज है, ये रूम है, छोटा छोटा रूम है, और ये नया स्टैचू बन रहा है, ये किसका बन रहा है, हम कभी अगले ब्लॉग में आएंगे तो बताएंगे किसका स्टैचू बन रहा है, अभी पता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ है, ये छोटा छोटा, ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए शायद ये ऐसा है, सरकारी रहता तो ऐसा नहीं रहता। और इधर भी दो चार रूम है, ये देखिए, और ये प्लेग्राउंड है, इससे अच्छा तो मिडिल स्कूल का प्लेग्राउंड था, ये छोटा प्लेग्राउंड है। और ये है, यहाँ पे झंडोत्तोलन होता है, सो है स्टेज, यहीं पे झंडोत्तोलन होता है, हम लोग यहीं पे थोड़ा देर बैठेंगे। अरे आओ रे जल्दी, अंधेरा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों आ गए, इधर बैठिए, ये सीढ़ी है। अब देखिए, पूरा अंधेरा हो गया है, आप देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। तो हेलो दोस्तों, तो ये देखिए, ये राजन जी हैं, ये 24 घंटा में 16 घंटा ये पबजी ही खेलते हैं। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ये लखा गेमर यूट्यूब चैनल, ये भी बनाए हुए हैं। ये 24 घंटा में 16 घंटा ये पबजी ही खेलते हैं। और ये ओम प्रकाश जी हैं, ये भी टिकी वीडियो बनाते हैं, ये देख रहे होंगे मेरे पीछे, दिखा रहे हैं, लगभग पूरा सूर्यास्त हो गया है तो दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, पूरा तरह से सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, ये आपको तारा भी दिखाई दे रहा होगा, ये अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा, कैमरा फेस नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, तो फिर आपसे मिलते हैं जाने के बाद। ये देखिए दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है, हम लोग फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहे हैं। तो यह ब्लॉग कैसा लगा आपको लोगों को, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो अब अंधेरा पूरा हो गया है, हम लोग देखिए, तो अब हम लोग जाएंगे घर। तो अब फिर कभी नए ब्लॉग में मिलते हैं, तो चलिए, टाटा बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।